हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज है हमारा डे टू ऑफ प्री पार विद प्री पेयर। तो आज आपको फिर से दोबारा नई लिस्ट मिल जाएगी टॉपिक्स की। आई होप आपने अपने कल वाले टॉपिक्स अच्छे से कर लिए होंगे। लास्ट में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसके आपको अगर आंसर आपके सही जा रहे हैं तो दैट मींस आप अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके आंसर्स आप नहीं अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे तो देन वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि आप थोड़ा और ध्यान लगा कर देखें। अदरवाइज़ अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है या आप फर्स्ट टाइम ही बुक उठा रहे हैं तो फिर इतना घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंगली हमारे पास काफ़ी टाइम होगा एंड पर आफ्टर दीज 56 डेज शेड्यूल कि आप दोबारा से चीज़ों को रिवाइज कर सकें। तो अभी स्टार्टिंग में आप जस्ट चीज़ों को स्पॉट करना सीखिए एंड अकॉर्डिंगली फिर हम देखते रहेंगे जैसे जैसे आप टेस्ट अटैम्प्ट करते रहेंगे कि चीज़ें अपने आप आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही आज की टॉपिक लिस्ट हमारे पास, टारगेट टेस्ट हमारा वही है, पॉलिटी टेस्ट 1। GS बैच की पॉलिटी की वीडियोज़ देख सकते हैं आप फ्रॉम 20 to 25 and 27 नंबर वीडियो, ठीक है जी। एंड हमारी इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 7 to 11 है एंड लास्ट में 17th चैप्टर है। तो मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बहुत ध्यान लगा कर देखनी है ये चीज़ें, तो अदरवाइज़ पूरे चैप्टर ट्राई करेंगे आप कवर करने की एक एक दिन में। एंड अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो हमारे पास ना उसके बाद जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक या टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सीरीज़ जो भी हमारे 56 डेज हैं तो आपके पास काफ़ी ईजी पीरियड होगा, तो तब आप वो चीज़ें कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोशिश यही करें कि जो बैकलॉग है वो ना इकट्ठा हो, लेकिन जितना हो रहा है तो फिर उसके बाद ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, अगर आप उतने आवर्स नहीं डिवोट कर पा रहे तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान दैट, ठीक है जी। तो हमारा काम सिर्फ आपको गाइड करना है, इम्प्लीमेंट आपको खुद से करनी है चीज़ें एंड आई होप आपको गाइड अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 7 में सभी फंडामेंटल राइट्स आपको देखनी है ध्यान से एंड उनमें चीज़ें क्या नोटिस करनी है, एक तो एक्सेप्शंस क्या क्या है, ठीक है जी। हर फंडामेंटल राइट की कोई ना कोई एक्सेप्शन होगी तो वो चीज़ें देखनी है एंड इम्पॉर्टेंट जो भी कोर्ट केस हैं उन फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में एंड उन केसेस में क्या चीज़ें डिसाइड हुई हैं एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। तो ये सब चीज़ें आपको एक फंडामेंटल राइट जब भी आप जो भी आर्टिकल पढ़ेंगे किसी फंडामेंटल राइट का वो आपको देखनी है। हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अच्छे से ग्रुप्ड हैं, लक्ष्मीकांत ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है जी। इसके बाद इसी चैप्टर में है हमारी रिट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो भी, एंड उसके बाद है मार्शल लॉ वर्सेस फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स जो भी टॉपिक का नाम है, तो ये आपको देखना है कि जब मार्शल लॉ लगता है तो फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है। एंड आगे हमारा जो इमरजेंसी वाला चैप्टर आएगा वहाँ पर देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है जब इमरजेंसी लगती है, तो ठीक है जी। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है अक्सर लोग स्किप कर जाते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी जो बिल्कुल एट द एंड ऑफ द चैप्टर है, तो वो आप ध्यान से देख लीजिएगा वो पैराग्राफ्स, ठीक है जी। तो इन चीज़ों पर खास फोकस, एक्सेप्शंस, इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोई किसी भी फंडामेंटल राइट के कॉन्टेक्स्ट में पास हुए होंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 8 है जिसमें हमें क्या देखना है, फीचर्स ऑफ DPSPs बहुत ध्यान से देखना है, इनको फर्दर आगे क्लासीफाई किया हुआ है गांधीयन में, लिबरल ने एंड जो सोशलिस्ट हैं एंड ऐसे करके तीन क्लासिफिकेशन हैं, तो वो आपको देखनी है कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस क्लासिफिकेशन में फिट होता है। एंड इसके बाद कुछ न्यू डायरेक्टिव्स थे जो बाद में अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन को इंस्टॉल किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो स्पेसिफिकली आर्टिकल नंबर के साथ आपको पता होना चाहिए। एंड आगे फिर फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DPSPs का जो कॉन्सेप्ट है, क्या पूरी कोर्ट केसेस की लड़ाई चली हमारी इंडिपेंडेंस के बाद से लेके अब तक, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है हमारा केशव नंदा भारती केस जहाँ पर चीज़ें जो हैं वो कल्मिनेट होना स्टार्ट हुई, तो ये चीज़ों को आपको खास ध्यान रखना है। एंड फाइनली कुछ डायरेक्टिव्स ऐसे हैं जो आउटसाइड हैं हमारे पार्ट 4 से, ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे पार्ट 1 वाज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 था हमारा सिटीजनशिप, पार्ट 3 है हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड फाइनली पार्ट 4 है हमारा DPSPs, ठीक है जी। तो ये इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है, ये जो चीज़ें मैंने लिस्ट की हैं, अदरवाइज चैप्टर आपको पूरा देखना है। अपनी स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करिए एंड अकॉर्डिंगली प्लान करते चलते रहिए, ठीक है जी। आगे हमारा है चैप्टर नंबर 9 जो रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ, तो जो भी पूरी लिस्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की
वो आपको एक बार उसके एक या दो बार गो थ्रू द लिस्ट द आर्टिकल एंड इट इज़ आर्टिकल 51A, तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट DPSPs हैं जो मैं पिछले चैप्टर में आपको थोड़ी बात बताना भूल गया। तो जो इंपॉर्टेंट DPSPs हैं, जैसे जो रिलेटेड हैं हमारे इंटॉक्सिकेंट से, अल्कोहल से रिलेटेड या काओ से रिलेटेड, तो उन स्पेसिफिक DPSPs का आपको आर्टिकल नंबर अगर आप ट्राई करेंगे याद रखने की, वो रह जाएगा याद, तो वो भी आपको ट्राई करते रहना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। तो इसमें अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो तीन तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के, एक है बाय सिंपल मेजॉरिटी, एक है स्पेशल मेजॉरिटी एंड एक है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। ठीक है जी, तो कौन सी चीज़ कहाँ लाए करती है वो आपको देखना है। अगर मुझे नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इंक्रीज़ करने हैं तो वो मैं कैसे करूँगा, अगर मुझे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का या जो हमारी पूरी पॉलिटी का तरीका ही बदलना है, मुझे पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर जाना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो भी प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अकॉर्डिंगली वो आपको देखना है कि कौन सी चीज़ किस मेजोरिटी के साथ होगी। तो ठीक है जी, इसके ऊपर खास निगाह। एंड इसके बाद है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो चैप्टर नंबर 11 है। तो इसमें एंड में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे केसेस डिस्कस्ड हैं एंड हर केस के आगे उसका बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ इस केस के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड हुई है, तो वो चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है जी, एंड फाइनली आगे हमारा है चैप्टर नंबर 17 विच इज़ प्रेसिडेंट। तो हमारी एग्जेक्टिव यूनियन एग्जेक्टिव स्टार्ट हो गया। तो इसमें प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमें पता होना चाहिए कि उनको ओथ कौन दिलाता है, क्वालिफिकेशंस क्या है प्रेसिडेंट बनने की, एंड उसके बाद प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे करते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं उसे, एंड उसके बाद प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या हैं, एंड स्पेशली ये दो पावर्स जो हैं, एक तो पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अनदर इज़ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको देखना है। एंड आगे है वीटो, तो वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट भी देखना है। आगे जब गवर्नर का चैप्टर आएगा तो उसमें हम गवर्नर एंड प्रेसिडेंट की पावर्स को कंपेयर करेंगे पार्डनिंग पावर्स को। तो इस ये सब कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनके ऊपर खास ध्यान रखना है एंड ट्राई टू मेमोराइज देम। आगे चलते हैं जी, आपके कुछ क्वेश्चन हैं, लेट्स रिवाइज जो आपने आज या सॉरी कल काम किया था। तो पहला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ यूनिक इन इट्स कॉन्टेंट्स एंड स्पिरिट बट इट स्टिल डिराइव्स इंस्पिरेशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ सोर्सेस। ठीक है जी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है या डिराइव किया है, एंड फिलोसॉफिकल पार्ट क्या हमने अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया है, एंड क्या पॉलिटिकल पार्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डिराइव किया है। तो आप यहाँ पर पॉज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अपना टाइम लीजिए, एंड द राइट आंसर इज़ नंबर 2 ओनली। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सिर्फ जो फिलोसॉफिकल पार्ट है वो वाला पार्ट करेक्ट है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज़ डिराइव की है। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी, तो जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, एंड जो हमारा पॉलिटिकल पार्ट है जिसमें कैबिनेट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, रिलेशंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है, तो ये चीज़ें डिराइव करी हैं हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, DPSPs हैं, ये आए हैं अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अब जब आज वाला जो भी आपको टारगेट दिए हैं, अगर आप आज पूरे करेंगे तो इसमें आपको इन चीज़ों की ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस आता है फंडामेंटल राइट्स जब हम पढ़ते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड जो DPSPs पढ़ते हैं तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का। मोर ओवर जो हमारी जुडिशरी है उसने भी बहुत ज़्यादा डिराइव किया है फ्रॉम द अमेरिकन जुडिशरी। ठीक है जी, एंड ये मैंने चैप्टर नंबर लिख दिया है, पेज नंबर लिख दिया है, जो हमारी लक्ष्मीकांत का एडिशन है 5th एडिशन, तो वहाँ पर ये चीज़ें आप ढूंढ लीजिएगा, अकॉर्डिंगली देखिएगा कि क्या आप ये सब चीज़ों को नोटिस करते हुए आगे चल रहे हैं। अगर हाँ तो देन यू आर डूइंग प्रेटी गुड जॉब एंड आगे चीज़ें बिल्डअप होती रहेंगी। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज़ द करेक्ट मैकेनिज्म टू सेटल अ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री। तो हमारा अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है, हमारी लैंड बाउंड्री जो या ओशनिक जो भी सी बाउंड्री है, मेरीटाइम बाउंड्री है, तो उसको अगर हमारा कोई डिस्प्यूट है तो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो क्या हम उसके लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी या एक लॉ पास करवाना पड़ेगा हमारे पार्लियामेंट से या एक एग्जेक्टिव एक्शन के थ्रू ही, कि जो हमारे यूनियन एग्जेक्टिव है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ही क्या ये चीज़ें हो सकती है, या ऐसा हो ही नहीं सकता, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जा सकते, नो सच थिंग कैन बी डन। तो
time to pause and give your answer. The correct answer is executive action. ठीक है जी, तो ये चीज़ें हम executive action के थ्रू ही कर सकते हैं. आपको मैं बता दूँ जो पेज जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसमें आर्टिकल नंबर 3 के ऊपर थोड़ी डिस्कशन की हुई है, आर्टिकल 3 और 4 के ऊपर. तो उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में बेरूबरी यूनियन केस आता है 1960 में, जिसके थ्रू आगे 1969 में फिर सुप्रीम कोर्ट जो है ये फाइनल वर्डिक्ट देते हैं कि सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो सकता है सीधा एग्जेक्टिव एक्शन के साथ. क्योंकि जब हम बाउंड्री सेटल कर रहे हैं तो हम किसी कोई भी टेरिटरी की सेसेशन नहीं कर रहे ऑफ़ द इंडियन टेरिटरी फॉरेन कंट्री. ठीक है जी, अदरवाइज जो बेरूबरी यूनियन केस था, इस केस में जो पार्लियामेंट था उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ा था, तब कहीं जाकर जो पाकिस्तान के साथ था बेसिकली कुछ इनक्लेव्स का चक्कर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करने के बाद ही वो टेरिटरीज हम पाकिस्तान को दे पाए थे. तो उसके बाद 1969 में सुप्रीम कोर्ट की ये वर्डिक्ट आती. तो इस पेज के ऊपर पूरी जो डिस्कशन है एलैबोरेटली गिवन है, आप वहाँ पर देखिए अगर आपने नहीं नोटिस किया ढंग से, अगर किया है तो दैट इज़ वेल एंड गुड. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. आज 10 बजे आ जाएगा हमारा डिड यू नोटिस. तो अगर आप करंट अफेयर्स भी साथ ही साथ करना चाहते हैं तो आई विल गिव यू द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू, तो वो आप वहाँ से फॉलो करके. फिर उसके बाद रात को 8 बजे आता है हमारा प्री क्योर, जिसमें हम वही जो चीज़ें आपको बताएंगे सुबह खुद करने के लिए, वो शाम को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है जी, तो स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं कल नई लिस्ट एंड आज की लिस्ट के क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.